स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर एनालिटिकल टेक्निक्स में, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स में कॉलोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें हम लोग कॉलोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कॉलोमेट्री, टाइप्स ऑफ कॉलोमेट्रिक टेक्निक्स इन विच वी वुड डिस्कस अबाउट द कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलोमेट्री एंड कंट्रोल्ड करंट कॉलोमेट्री, एंड वी वुड डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द बोथ टेक्निक्स, देन सम प्रॉब्लम्स अराइजेज एंड देयर सॉल्यूशंस विल बी डिस्कस्ड। हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर मिलते रहें। वी आर स्टार्टिंग विद कॉलोमेट्रिक टेक्निक्स। प्रिंसिपल ऑफ द कॉलोमेट्री, द टेक्निक ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस इन विच एनालाइट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड और कम्प्लीटली रिएक्ट विद अ रिएजेंट जनरेटेड एट अ वर्किंग इलेक्ट्रोड। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। हम क्या करते हैं, एक एनालाइट सोल्यूशन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, दो इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर देते हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। अब एनालाइट सॉल्यूशन के अंदर जो केट आयंस होते हैं वो कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाते हैं और एनायंस जो है वो एनोड के ऊपर जाकर ऑक्सीडाइज होते हैं। तो कॉलोमेट्री ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी एनालाइट को मुकम्मल तौर पर कैथोड के ऊपर रिड्यूस कर लें या कैथोड के ऊपर किसी स्पीशी के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करवा लें, तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज अ कॉलोमेट्रिक टेक्निक। कॉलोमेट्री दो तरह से फॉर्म की जाती है, वन इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलोमेट्री, सेकंड इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल्ड करंट कॉलोमेट्री। कंट्रोल्ड पोटेंशियल में हम लोग पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं और करंट वेरी करता है, जबकि कंट्रोल्ड करंट कॉलोमेट्री के अंदर हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं एट सम स्पेसिफिक वैल्यू, जबकि हम लोग पोटेंशियल को चेंज कर रहे होते हैं। During an electrolysis, the total charge Q in coulombs passing through the electrochemical cell is proportional to the absolute amount of the analyte by Faraday's law. This one is the equation. The total charge ki value, number of electrons required to deposit one mole of the analyte. F is the Faraday's constant. Faraday's constant hota hai the टोटल चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज फैराडेज कांस्टेंट। इसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करके, इसकी वैल्यू हमारे पास 96,487 आती है। हियर एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एनालाइट डिपॉजिटेड। जब हमारे पास क्यू करंट पास आउट होता है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ द एनालाइट्स विल बी डिपॉजिटेड we can take by using this equation number A. Faraday's laws of electrolysis, first law और second law हम लोगों ने इसी electroanalytical technique के पहले lecture में पढ़े हैं, तो उनको ध्यान में रखना, ये equation हम लोग वहीं से लेते हैं। Next हम लोग ये equation जानते हैं, Q charge is equal to current into time, where T is the time of the electrolysis and I is the current in ampere. तो कहते हैं इन कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलोमेट्री द करंट वेरीज विद टाइम। ये तो है ना कंट्रोल्ड करंट कॉलोमेट्री के लिए, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और व्हेन एवर यू वांट टू राइट दिस इक्वेशन फॉर कंट्रोल्ड पोटेंशियल, तो तब आप लोग इसको क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू टी टाइम आई इन टू टी। आई करंट है, टी टाइम है, और वी आर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन इन बिटवीन द लिमिट्स फ्रॉम जीरो टाइम टू टाइम टी। इन कॉलोमेट्री वी मॉनिटर द करंट एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम एंड यूज आइदर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू टू कैलकुलेट द क्यू वैल्यू। अब जब तो करंट कॉन्स्टेंट है हम लोग इक्वेशन वन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर करंट मूव चेंज होता है इन बिटवीन जीरो टू टाइम इंटरवल टी, तब हम लोग इक्वेशन नंबर टू को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द टोटल चार्ज वैल्यू। Knowing the total charge, we then use the equation A to determine the moles of the analyte to obtain an accurate value for the NA. All the current must be used to oxidize or reduce the analyte. For example, ये वाली equation use करके जब हमें Q पता चल जाए तो हम NA find out कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है, suppose करें आपका जो analyte है उसके अंदर sodium ion भी है और calcium ion भी है, और हम लोग डिपॉजिट करना चाह रहे हैं सोडियम आयन को, तो यू आर 100% करंट मस्ट बी यूज टू डिपॉजिट सोडियम आयन ओनली। उनको कैल्शियम आयन को डिपॉजिट नहीं करना चाहिए,
और अगर कोई भी इंटरफेरिंग स्पीशीज यानी कोई भी और पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में है वो एक एनालाइट के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है आपकी जो टेक्निक है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी। इन ऑर्डर टू गेट द 100% एफिशिएंसी, योर होल करंट पास थ्रू द सोल्यूशन मस्ट बी यूज टू डिपॉजिट दैट एनालाइट ओनली। उसे सिर्फ वो एक एनालाइट डिपॉजिट करना चाहिए, उसके अलावा कोई एनालाइट डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसकी 100% से एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो या फिर क्या होना चाहिए, अगर 100% से कम है एफिशिएंसी तो उसकी एफिशिएंसी हमें पहले से कैलकुलेटेड होनी चाहिए। कोई भी स्टैंडर्ड यूज करते हुए आप कैलकुलेट कर लें, सपोज करें हम सोडियम को डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, हम 1 फेराडे करंट पास आउट करते हैं तो एग्जैक्टली 23 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ द सोडियम डिपॉजिट होना चाहिए। तो हमने 1 फेराडे चार्ज अगर पास आउट कर लिया और सोडियम की 23 की बजाय 20 ग्राम अमाउंट डिपॉजिट हुई है तो हम लोग उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, 20/23 × 100 हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। ये जो कॉलोमेट्रिक टेक्निक हम जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इसकी एफिशिएंसी इतनी है, इससे ज्यादा नहीं है। तो या तो इस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लें या 100% करंट एफिशिएंसी को इंश्योर करें। अ फैक्टर दैट वी मस्ट कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग अ कॉलोमेट्रिक मेथड, तो यहां परसेंटेज एफिशिएंसी या तो निकाल लेते हैं और उस फैक्टर को कॉलोमेट्रिक मेथड या एनालिसिस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलोमेट्री, 100% करंट एफिशिएंसी इज इंश्योर्ड बाय होल्डिंग द वर्किंग इलेक्ट्रोड एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल सच अ वे दैट द एनालाइट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एन इंटरफेरिंग स्पीशीज साइमल्टेनियसली। अब 100% एफिशिएंसी कैसे आ सकती है, हम करंट पोटेंशियल को कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जिस पोटेंशियल के ऊपर रिड्यूस होता है, हम लोग पोटेंशियल को एग्जैक्टली उस वैल्यू के ऊपर रखते हैं, अगर उससे ज्यादा या कम वैल्यू होगी पोटेंशियल की तो क्या होना शुरू हो जाएगा, उससे कम या ज्यादा वैल्यू के ऊपर कोई भी इंटरफेरिंग स्पीशी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो सकती है। तो पोटेंशियल को कंट्रोल करके हम लोग किसी भी इंटरफेरिंग स्पीशी की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को रोक देते हैं, वो साइमल्टेनियसली रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, तो सो हम लोग 100% एफिशिएंसी एंश्योर कर सकते हैं ऐसा करने से। तो जैसे जैसे कंट्रोल पोटेंशियल है, जैसे जैसे एनालाइट कम होता जाता है सॉल्यूशन में यानी एनालाइट डिपॉजिट होता जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इसका मतलब है आयंस की तादाद सॉल्यूशन में कम हो जाएगी। तो अगर सॉल्यूशन में आयंस की तादाद कम होती जाती है तो करंट डिक्रीज करता जाता है आहिस्ता आहिस्ता और एक खास वैल्यू पर करंट जीरो हो जाता है। दिस वन टाइम इज टेकन टू बी एन एंड टाइम, यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, सारे का सारा एनालाइट डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर हमें चार्ज फाइंड आउट करना हो तो हम इस टाइम और करंट के ग्राफ का एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड आउट करते हैं, एंड दिस एरिया अंडर द कर्व इज फाउंड बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to TE। तो हम लोग इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, इस तरह हम लोग कंट्रोल्ड पोटेंशियल कॉलोमेट्री के अंदर एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस एरिया इज इक्वल टू टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज से फिर हम लोग इक्वेशन नंबर ए को यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट जो हमारे पास डिपॉजिट होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। सिलेक्टिंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल को सिलेक्ट करने का फायदा क्या होता है और उसको किस वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ताकि कोई भी इंटरफेरिंग स्पीशीज साथ रिएक्ट ना करे। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, टू सी हाउ एन अप्रोप्रिएट पोटेंशियल फॉर द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज सिलेक्टेड, लेट्स डिवेलप द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल कॉलोमेट्रिक मेथड फॉर कॉपर प्लस टू। सपोज करें हम कॉपर प्लस टू की रिडक्शन इवेंट के लिए एक खास पोटेंशियल की वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक लैडर डायग्राम है। देखें कॉपर की रिडक्शन होगी इफ वी टेक द वोल्टेज मोर नेगेटिव देन दिस वोल्टेज, यानी +0.342 वोल्ट से कम, +0.34, +0.3, +0.1, +0.2 अगर हम ये वोल्ट रखते हैं तो तब कॉपर की रिडक्शन होगी। लेकिन अगर वोल्टेज कम करते करते आप 0 वोल्ट से नेगेटिव में ले जाते हैं तो फिर हाइड्रोजन भी साथ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमें वोल्टेज को प्लस पॉइंट जीरो जीरो
जीरो वोल्ट से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, इससे नीचे नेगेटिव वैल्यू की तरफ रखना चाहिए ताकि सिर्फ कॉपर रिड्यूस हो सके, उसके साथ इंटरफेरिंग स्पीशी ये हाइड्रोजन रिड्यूस ना हो। तो लैडर डायग्राम से हमें पता चल जाता है कि हमें वोल्टेज कितना रखना है, यानी अगर वोल्टेज हमारे पास कितना हो इज मोर नेगेटिव देन प्लस 0.342 वोल्ट, मोर नेगेटिव देन दिस वैल्यू का मतलब है कि इससे नीचे वोल्टेज होना चाहिए वर्सेज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू एंश्योर एंड 100%, अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं टू एंश्योर एंड 100% एफिशिएंसी, हाउएवर द पोटेंशियल मस्ट बी सफिशिएंटली मोर पॉजिटिव देन 0.000 वोल्ट सो दैट द रिडक्शन ऑफ द H3O पॉजिटिव टू हाइड्रोजन डज नॉट कंट्रीब्यूट। अगर यहां पहुंच जाता है वोल्टेज तो फिर हाइड्रोजन की रिडक्शन शुरू हो जाएगी, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन को रोकने के लिए, सिर्फ कॉपर की रिडक्शन को इंश्योर करने के लिए हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को इससे ऊपर रखते हैं और इस वैल्यू से नीचे रखते हैं। इस तरह हम लोग एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द 100% एक्यूरेसी एंड 100% एफिशिएंसी। वी कैन यूज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन टू एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल फॉर द क्वांटिटेटिवली रिड्यूसिंग कॉपर प्लस टू। कॉपर प्लस टू की रिडक्शन के लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इट्स अ नेक्स्ट इक्वेशन, हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता हो कॉपर के। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि इससे पहले हम लोग जब भी नेक्स्ट इक्वेशन लिखते थे यहाँ एक्टिविटी ऑफ कॉपर यूज करते थे, बट हेयर वी आर यूजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉपर प्लस टू। अब यहाँ क्यों एक्टिविटी की बजाय हमने कॉन्सेंट्रेशन यूज किया, बिकॉज हेयर वी आर गोइंग टू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ द कॉपर एट द इलेक्ट्रोड बाई यूजिंग सम पोटेंशियल, तो हमने वो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन से वैल्यू निकाली है। जबकि उन टेक्निक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, पोटेंशियल की वैल्यू से, सेल पोटेंशियल की वैल्यू से अमाउंट का अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे। तो अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम लोग एक्टिविटी यूज करते हैं, तो अगर हमें अमाउंट ऑफ कॉपर फाइंड आउट करना है और उसके लिए सेल पोटेंशियल रिक्वायर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो तब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को यूज करते हैं। अब यहां देखें द अमाउंट ऑफ एनालाइट इज गिवन बाय द टोटल चार्ज, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनालाइट टोटल चार्ज से आती है हमारे पास, उसके लिए फिर एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ी। टोटल चार्ज हमें कहां से मिलेगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस टू से। तो सो हम यहां एक्टिविटी की बजाय कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हैं। इफ यू डिफाइन अ क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस इज वन ऑफ विच वी रिड्यूस 99.99% ऑफ द कॉपर प्लस टू। सपोज करें हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया और उसमें जितनी सोल्यूशन में कॉपर था उसका 99.99% को हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया, तो फिर कॉपर की वैल्यू एट द एंड टाइम, जैसे टाइम कंप्लीट होता है उस वक्त कॉपर की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो कितनी होगी, दैट कॉपर प्लस टू वैल्यू एट द एंड टाइम विल बी इक्वल टू 0.001 इंटू कॉपर प्लस टू एट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। मतलब स्टार्ट पे सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर प्लस टू की वैल्यू थी उसको 0.001 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉपर एट कंप्लीशन टाइम आता है, तो कॉपर एट कंप्लीशन टाइम की ये वैल्यू है। तो यहां अगर हम लोग ये पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 को पुट करें, तो हमारे पास ये क्वेश्चन निकलती है सेल पोटेंशियल के लिए। अब अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ये है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁴ मोल रखते हैं हम लोग, इतना सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, हम लोग यहाँ वैल्यू ये पुट करके अगर E की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास निकलती है +0.105 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि कॉपर को रिड्यूस करना है और हाइड्रोजन की रिडक्शन को बचाना है अगर, तो हमें +1.105 वोल्ट से कम पोटेंशियल रखना चाहिए लेकिन 0 वोल्ट से ज्यादा रखना चाहिए, तो तब सिर्फ कॉपर रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं हो सकेगा। मिनिमाइजिंग इलेक्ट्रोलिसिस टाइम, हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस टाइम को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, वो कहता है इन कंट्रोल पोटेंशियल कॉलोमेट्रिक करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो जब करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है तो एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एनालाइट के लिए हमें बहुत लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड है,
एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि एनालाइट को मुकम्मल तौर पर रिड्यूस करने के लिए जो करंट टाइम रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज करंट की वैल्यू कम होती है, करंट की वैल्यू कम होने से प्रोसेस स्लो डाउन कर जाता है। बिकॉज टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिडरेशन वेन चूजिंग द डिजाइनिंग एनालिटिकल मैथड, हमें एनालिटिकल मैथड जब भी डिजाइन किया जाता है हमें चाहिए कि टाइम को मिनिमाइज कर सकें, तो यहां तो कंट्रोल पोटेंशियल कॉलोमेट्री में तो टाइम मिनिमाइज नहीं हो पाता। सो वी कैन अप्रोक्सीमेट द चेंज इन द करंट एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम इन फिगर अबव बाई एन एक्सपोनेंशियल डिके, दस द करंट एट टाइम टी इज, तो अगर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना हो एट टाइम टी, वो हमारे पास किसके इक्वल निकलती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये इनिशियल करंट, ई रेज टू द पावर माइनस के टी, वेयर के इज द रेट कॉन्स्टेंट, टी इज द टाइम। कहते हैं वेयर आई नॉट इज द करंट एट टी जीरो, के इज अ रेट कॉन्स्टेंट, और ये रेट कॉन्स्टेंट दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड के, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा होगा जाहिर है उसके ऊपर डिस्चार्जिंग इवेंट उतने ज्यादा होंगे, और डिस्चार्जिंग इवेंट जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। दूसरा रेट ऑफ स्टीरिंग पर डिपेंड करता है, अब जाहिर है सोल्यूशन स्टीर कर रहा होगा तो आयन जो है वो रैपिडली इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेंगे, बट दिस के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और जाहिर है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा एनालाइट के आइन्स को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है रेट कॉन्स्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड रेट ऑफ स्टीरिंग होता है। तो फॉर एन एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस इन विच वी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस 99.9% ऑफ द एनालाइट, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, जब वो कहता है रिडक्शन 99.99% रिड्यूस हो जाती है या हो जाती है, तो तब करंट की वैल्यू हमारे पास आती है लेस देन और इक्वल टू 0.0001 इनटू आई नॉट के। इसी क्वेश्चन 7 को अगर हम लोग इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट कर लें, यहां सब्स्टिट्यूट करें, फिर दोनों साइड पर नेचुरल लॉग लें, तो ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म होने पर हमारे पास टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एंड द एक्सपेरिमेंट किसके इक्वल निकलता है, -1/k ln 0.0001 के, और इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आती है -9.21/k। इसका मतलब है लार्जर द वैल्यू ऑफ k रिड्यूसेस द एनालिसिस टाइम, जितना k ज्यादा होगा एनालिसिस टाइम कम होगा, k कम होगा तो एनालिसिस टाइम बढ़ेगा। तो सो रेट कांस्टेंट को हम लोग बढ़ा सकते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा के, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बढ़ा लें, सॉल्यूशन कम से कम यूज करें, वॉल्यूम कम यूज करें, और तीसरा काम करें आपके स्टीरिंग, कांस्टेंट स्टीरिंग करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं। तो इस तरह से क्या होगा, अ क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस टिपिकली रिक्वायर्ड 30 to 60 मिनट, इस कंट्रोल पोटेंशियल कॉलोमेट्री में तकरीबन 30 to 60 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के लिए या कॉलोमेट्री के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये सिलेंड्रिकल, वो कहता है वर्किंग इलेक्ट्रोड कॉलोमेट्री, 3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टेट सिस्टम यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में इसको हम एंड पे पढ़ेंगे। वर्किंग इलेक्ट्रोड जो कहता है यूज करते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो सिलेंड्रिकल प्लैटिनम गॉज यूज की जाती है, ये इस तरह की जाली सी बनी हुई है प्लैटिनम की, इसको रोल किया हुआ है रोल की तरह से, सिलेंडर की तरह से, या मर्करी पूल को एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कहता है द लार्ज ओवर पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ H3O पॉजिटिव एट मर्करी मेक्स इट इलेक्ट्रोड ऑफ द चॉइस फॉर द एनालाइट रिक्वायरिंग अ नेगेटिव पोटेंशियल। कहता है अगर SHE यूज कर रहे हो और पोटेंशियल हमें -1 वोल्ट से ज्यादा नेगेटिव करना हो, तो तब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड काम नहीं करता, तब हम लोग मर्करी इलेक्ट्रोड को ज्यादातर यूज करते हैं। तो सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, सॉरी कहते हैं पोटेंशियल मोर नेगेटिव SHE इज फिजिबल एट मर्करी इलेक्ट्रोड बट नॉट एट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो SHE के साथ मर्करी इलेक्ट्रोड ज्यादा फिजिबल है। इवन इन अ वेरी एसिडिक सोल्यूशन भी हम लोग यहाँ मर्करी इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम को नहीं।
बिकॉज मर्करी इज इजिली ऑक्सीडाइज इट इज लेस यूजफुल इफ वी नीड टू मेंटेन अ पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एस एच ई. अगर पोटेंशियल पॉजिटिव टू एस एच ई यूज करें तो तब मर्करी इलेक्ट्रोड फिजिबल नहीं है, और अगर नेगेटिव यूज करें तो तब हमारे पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड फिजिबल नहीं है. सो डिफरेंट कंडीशंस पर हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर द 100% एफिशिएंसी. प्लैटिनम इज द वर्किंग इलेक्ट्रोड ऑफ द चॉइस व्हेन वी नीड टू अप्लाई अ पॉजिटिव पोटेंशियल. पॉजिटिव पोटेंशियल यूज करना हो तो प्लैटिनम, नेगेटिव पोटेंशियल यूज करना हो तो हम लोग किसको यूज करते हैं, मर्करी इलेक्ट्रोड को. द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड विच इज ऑफन अ प्लैटिनम वायर इज सेपरेटेड बाय अ साल्ट ब्रिज. ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो एनालाइट इकट्ठा हो रहा होता है उसको साल्ट ब्रिज से अलग करने के लिए या तो हम लोग साल्ट ब्रिज को यूज करते हैं उसको बाकी सॉल्यूशन से अलग करने के लिए, या वहां वायर गॉज यूज करते हैं या पोरस पार्टीशन यूज करते हैं. ये इससे होता क्या है, प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स जनरेटेड एट द ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड फ्रॉम रिएक्टिंग विद द एनालाइट सॉल्यूशन. ये ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्रोडक्ट बने वो अलग हो जाएं, वो एनालाइट सॉल्यूशन के साथ दोबारा इंटरफेयर ना करें एनालिसिस को. तो सैचुरेटेड कलोमर इलेक्ट्रोड या सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. अदर एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नीड फॉर द कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री इज द मीन्स फॉर डिटरमिनिंग द टोटल चार्ज. वन मेथड इज मॉनिटर द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिटरमिन द एरिया अंडर द कर्व. अब यहाँ क्या किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता टाइम मैयर करते रहे, करंट मैयर करते रहे, टाइम मैयर कर लिया, करंट मैयर कर लिया, तो ये वैल्यूज लिख के एक ग्राफ बनाते, ग्राफ के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, उसको फाइंड आउट कर लें. तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने से हमारे पास क्या निकल आता, टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज निकल आती. लेकिन वो कहता है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये इंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट खुद ब खुद ही करता है, और वो हमें हर टाइम के ऊपर चार्ज की टोटल वैल्यू बता रहा होता है कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एनालिसिस. एक सेकेंड अप्रोच है, उसको हम लोगों ने कंट्रोल्ड पोटेंशियल कहा था, इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड करंट कोलोमेट्री. इसमें आप क्या करते हैं, करंट को कांस्टेंट रखते हैं, पोटेंशियल चेंज होने देते हैं. तो हमारे पास जो ग्राफ आता है दैट इज अ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ. क्योंकि करंट कांस्टेंट रहता है तो यहां हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, टोटल चार्ज बस करंट इंटू टाइम के इक्वल निकल आता है. द एनालिसिस टाइम इज शॉर्टर, क्योंकि करंट चेंज नहीं होता, डिक्रीज नहीं करता, इसका एनालिसिस टाइम उसके मुकाबले में शॉर्टर है. यहाँ 10 मिनट टाइम रिक्वायर्ड है, वहां कंट्रोल पोटेंशियल में तकरीबन 30 टू 60 मिनट रिक्वायर्ड था. बिकॉज द टोटल चार्ज इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड टाइम, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट इक्वेशन. वो इक्वेशन हमें फिर कौन सी, सिर्फ क्यू इज इक्वल टू आई टी रिक्वायर्ड है, हमें किसी किस्म की इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती कंट्रोल्ड करंट कोलोमेट्री में. लेकिन दो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं. पहली प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रोलिसिस द एनालाइट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड देयरफॉर द करंट ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेस. टू मेंटेन कॉन्स्टेंट करंट वी मस्ट अलाउ द पोटेंशियल टू चेंज अनटिल अनदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस. हमने लैडर डायग्राम पढ़ी है, यहां हम कह रहे हैं कि करंट को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं. जब सॉल्यूशन के अंदर एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है तो एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से करंट की वैल्यू तो डिक्रीज करेगी. तो जाहिर है फिर करंट को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज बढ़ते या कम होते होते किसी ऐसे इवेंट में चला जाए जहां कोई भी इंटरफेयरिंग स्पीशी इंटरफेयर कर रही हो. तो अगर इंटरफेयरिंग स्पीशी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो जाहिर है 100% एफिशिएंसी को इंश्योर करना पॉसिबल नहीं रहता. तो ये एक पहली प्रॉब्लम है कि वोल्टेज चेंज करते करते वैल्यू थ्रेशहोल्ड वैल्यू से ऊपर या नीचे जा सकती है, यहां पर कोई भी इंटरफेयरिंग स्पीशी इंटरफेयर कर सकती है. तो 100% एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना जरूरी है. दूसरी प्रॉब्लम है नीड अ मेथड फॉर डिटर्मिनिंग व्हेन द एनालाइट्स इलेक्ट्रोलिसिस इज कंप्लीट. कंट्रोल पोटेंशियल में तो हमारे पास सिंपल सा मेथड था कि जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसका मतलब सारा एनालाइट सॉल्यूशन में से खत्म हो गया. लेकिन कंट्रोल पोटेंशियल कॉलोमेट्री के अंदर सॉल्यूशन कब उसमें से एनालाइट खत्म हुआ है या कब कंप्लीट हुआ है रिएक्शन,
उसका पता चलाना मुश्किल है। सो हमें एंड पॉइंट डिटरमिन करने का कोई मेथड चाहिए। तो कंट्रोल पोटेंशियल कैलोरीमेट्री में करंट जीरो होने से पता चल जाता है, लेकिन यहां पता नहीं चलता। तो एंड पॉइंट डिटरमिनेशन का एक सूटेबल मेथड रिक्वायर्ड है। हम क्या करते हैं, मेंटेनिंग करंट एफिशिएंसी, जो जो सॉल्यूशन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि कॉन्सेंट्रेशन या करंट को मेंटेन रखने के लिए पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा या कम होने से 100% एफिशिएंसी नहीं रहती। तो एफिशिएंसी को कैसे मेंटेन करते हैं, वो कहता है हमारे पास एक टू इलस्ट्रेट व्हाई अ चेंज इन द वर्किंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिजल्ट इन अ करंट एफिशिएंसी लेस देन 100%, लेट्स कंसीडर द कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस फॉर आयरन। अगर हम लोग आयरन के कैलोरीमेट्रिक एनालिसिस को देखें, आयरन प्लस टू से प्लस थ्री में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही, इतने वोल्टेज के ऊपर इसको होना है, इससे कम वोल्टेज रखें तो आयरन की ऑक्सीडेशन होगी प्लस टू से प्लस थ्री में। लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ते बढ़ते इधर जाना शुरू हो जाए, प्लस 0.68 से मोर पॉजिटिव की तरफ जाए, तो फिर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होना शुरू हो जाती है, तो वो इंटरफेयर करेगा जाहिर है। तो हमें क्या करना है कि पोटेंशियल को इन बिटवीन दीज वैल्यूज रखना है, इससे कम नहीं ले जाना कि इसकी रिडक्शन शुरू हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं ले जाना कि वाटर की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड एज अ लैडर डायग्राम। तो कहता है एट द बिगिनिंग द पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड रिमेन्स नियरली कॉन्स्टेंट एट अ लेवल नियर इट्स इनिशियल वैल्यू। अब स्टार्ट में तो जो पोटेंशियल रखा उस इनिशियल वैल्यू पर तकरीबन रहता है, लेकिन जैसे जैसे आयरन प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, हमें क्या करना पड़ता है, पोटेंशियल को टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव वैल्यू शिफ्ट करना पड़ता है। तो जब ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पोटेंशियल इधर जाना शुरू होता है, तो वाटर की ऑक्सीडेशन इस तरह से शुरू हो जाती है। तो बिकॉज अ पोर्शन ऑफ द टोटल करंट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर, द करंट एफिशिएंसी फॉर द एनालिसिस लेस देन 100%। तब क्या होगा, अगर साथ इसकी ऑक्सीडेशन से ये भी शुरू हो जाए तो करंट एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हम लोग इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर क्या करें, पोटेंशियल की ड्रिफ्टिंग को उस रीजन के अंदर अंदर रखें। अंडरगोज वी कैन मेंटेन 100% करंट एफिशिएंसी इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्ट्स बोथ रैपिडली एंड क्वांटिटेटिव। कहता है 100% एफिशिएंसी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, करंट को डिक्रीज होने से बचा के, ताकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा वेरी ना करना पड़े। तो करंट को डिक्रीज होने से बचा के हम क्या कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, वो कहता है आयरन प्लस टू जो प्रोड्यूस होता है उसको फौरन उस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दें, इनएक्टिव कर दें। उसको इनएक्टिव करने का तरीका कि आप उसमें सेरियम प्लस थ्री यूज करें, तो सेरियम प्लस थ्री ऑक्सीडाइज होगा, वो आयरन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो सेरियम प्लस फोर, सेरियम प्लस सॉरी ये खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर ये ऑक्सीडाइज फॉर्म इसकी आयरन को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होती है, आयरन प्लस थ्री में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह जो आयरन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो फौरन आयरन प्लस थ्री में चेंज होता रहता है। सेरियम आयन प्लस थ्री फॉर्म में हो या प्लस फोर फॉर्म में हो, ये सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल रहते हैं, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा रैपिडली डिक्रीज नहीं करती। जब करंट बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करता तो हमें पोटेंशियल को बहुत ज्यादा वेरी नहीं करना पड़ता, इस तरह पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। तो और आप देखें सेरियम प्लस थ्री को अगर हम यूज भी करते हैं तो ये दो इवेंट्स होते हैं, इन दोनों इवेंट्स का अगर नेट निकालें तो वो वही है कि आयरन प्लस टू आयरन प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाता है। मेंटेनिंग अ करंट एफिशिएंसी ऑफ 100% अ स्पीशीज सच एज सेरियम प्लस थ्री विच इज यूज्ड एज अ मॉडरेट मेडिएटर, ऐसी स्पीशीज को हम लोग एज अ मेडिएटर यूज कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के, सेकंड प्रॉब्लम है इसको कैसे मेंटेन करें, हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन प्लस टू खत्म हो जाए, सॉल्यूशन में से खत्म हो गया। अगर हम लोग इसको जस्ट लाइक दैट ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन ट्रीट करें, आयरन प्लस टू ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेरियम प्लस थ्री रिड्यूस हो रहा है, तो इसको अगर एसिड बेस सॉरी रिडॉक्स टाइट्रेशन लें
एक्चुअली आयरन प्लस टू के साथ अगर कोई इंडिकेटर यूज कर लें हम लोग, जो आयरन प्लस टू के साथ और कलर दे, आयरन प्लस थ्री के साथ और कलर दे, तो हम यहाँ पर फिरोइन एक इंडिकेटर यूज करते हैं, जो आयरन प्लस टू के साथ कलर कौन सा दे रहा होता है, ब्लू रेड, और जब वो आयरन प्लस थ्री में कन्वर्ट होता है तो उसका कलर रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मतलब हम लोग एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करते हैं जस्ट बाय कंसीडरिंग दिस एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिडॉक्स इंडिकेटर डाल दें जो आयरन प्लस टू के साथ और कलर देता है, आयरन प्लस थ्री के साथ और कलर देता है, तो आयरन प्लस टू के साथ उसका कलर फिरोइन डाला है हमने, वो कौन सा पड़ा रहेगा, रेड कलर पड़ा रहेगा। जैसे ही आयरन प्लस टू सोल्यूशन में खत्म होगा कलर ब्लू हो जाएगा, तो हमें एंड पॉइंट पता चल जाता है। कंट्रोल्ड करंट कॉलोमेट्री इज कैरिड आउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड गैल्वानो स्टेट कंसिस्टिंग अप ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड काउंटर इलेक्ट्रोड। इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं कंट्रोल्ड करंट में। द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज ऑफन अ सिंपल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ जनरेटेड इलेक्ट्रोड सिंस इट इज वेयर द मेडिएटर रिएक्ट्स टू जनरेट द स्पीशीज दैट रिएक्ट्स विद द एनालाइट। मतलब इसका काम सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रोड सिंपली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, एक जनरेटर इलेक्ट्रोड भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेडिएटर्स के साथ है, रिएक्ट्स टू जनरेट द स्पीशीज दैट रिएक्ट्स विद एनालाइट। मेडिएटर के साथ ऐसी स्पीशीज बना रहा होता है जो फर्दर एनालाइट के साथ रिएक्ट करती है, इसी वजह से हम वर्किंग इलेक्ट्रोड को जनरेटर इलेक्ट्रोड का नाम भी देते हैं। इफ नेसेसरी द काउंटर इलेक्ट्रोड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनालिटिकल सोल्यूशन बाई ए साल्ट ब्रिज। काउंटर इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर वो जाकर सोल्यूट इकट्ठा हो रहा होता है, तो उसको साल्ट ब्रिज के साथ अलग कर देते हैं। साल्ट ब्रिज या पोरस पार्टीशन से अलग करने का मकसद ये होता है कि काउंटर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्रोडक्ट आपकी बन रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो दोबारा से एनालाइट के साथ रिएक्ट ना करे। Alternatively, we use to generate the oxidizing agent or the reducing agent externally and it allows to flow. मतलब या हम लोग क्या करते हैं कि oxidizing agent या reducing agent दोनों में वो इस तरह से फ्लो करवाया जाता है कि वो सोल्यूशन में से फ्लो करके जाए और उसी वक्त वो रिएक्ट करके तो वापस आ जाए, वो मतलब वहां पर स्टे ना करें इलेक्ट्रोड के ऊपर। नीचे हमारे पास फिगर दिखाई गई है, इसमें क्या हो रहा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग द मेडिएटर फ्लोज इनटू द स्मॉल वॉल्यूम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद द प्रोडक्ट्स एग्जिटिंग फ्रॉम द सेपरेट ट्यूब। अब ये देखें, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, यहां से मेडिएटर सोल्यूशन को ऐड करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्रोडक्ट बनती है वो सेपरेट ट्यूब से एग्जिट हो रही होती है, सेपरेट ट्यूब से निकल जाती है, उनको हम लोग वहां पर रुकना अलाउ नहीं करते कि वो फर्दर एनालाइट के साथ रिएक्शन करें। डिपेंडिंग अपॉन द एनालाइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द रिड्यूसिंग एजेंट इज सिलेक्टिवली डिलीवर्ड टू द एनालिटिकल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वी कैन जनरेट सेरियम प्लस फोर यूजिंग एन एक्वो सोल्यूशन ऑफ सेरियम प्लस थ्री डायरेक्टिंग द सेरियम प्लस फोर दैट फॉर्म्स एट द एनोड इनटू आवर सैंपल। यहाँ हम लोग मेडिएटर स्पीशी डालते हैं तो सेरियम प्लस थ्री से सेरियम प्लस फोर में कन्वर्ट होती है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाली जो है वो इन दोनों पाइप से नीचे निकल जाती है। तो हमें कहता है इसके लिए दो चीजों की जरूरत है कंट्रोल करंट कॉलोमेट्री के लिए, एक तो एक्यूरेट क्लॉक चाहिए जो बहुत रैपिडली मेजरमेंट देता हो और बहुत मिनिमम टाइम को भी नोट करे, एक स्विच चाहिए जो पोटेंशियल को कम या ज्यादा करता। तो कहता है यहाँ एनालॉगस क्लॉक यूज नहीं होता, उसका टाइम वो बहुत वो टाइम मिनिमम टाइम इंटरवल जिसको वो मेजर करता है ये ज्यादा है, सो हम लोग डिजिटल क्लॉक यूज करते हैं जिसकी अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 1 मिली सेकेंड तक हो, और इसके साथ साथ क्या करते हैं ऐसा स्विच यूज करते हैं जिसके साथ टाइम भी लगा हुआ, मतलब एक ही स्विच से टाइम और पोटेंशियल को ऑन या ऑफ किया जा सके, तो रैपिड रिएक्शन होता है और वो एरर के इम्कान कम हो जाते हैं कि आपने पोटेंशियल को तो एक टाइम पर बंद किया है या बढ़ाया या कम किया, जबकि टाइम के लिए कुछ सेपरेट हैंड यूज कर रहे हैं, इस तरह वो हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते, लिहाजा इन दोनों को
एक ही स्विच के साथ अटैच होना चाहिए कि जिस टाइम पोटेंशियल कम या ज़्यादा करें उसी टाइम पर टाइम भी बंद हो जाए या स्टार्ट हो जाए, ऑन या ऑफ हो जाए। ये स्टूडेंट, ये था हमारा कोलोमेट्री का आज का लेक्चर। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यहाँ हमारा इलेक्ट्रोनालिटिकल का सिलेबस कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।